इंडिया टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख लेते हैं खेल की दुनिया की बड़ी खबरें स्पोर्ट्स 20 में। एशियन गेम्स में आज सबकी निगाह जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर टिकी। नीरज से एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद। अविनाश साबले आज 5000 मीटर रेस में लेंगे हिस्सा। भारतीय मेंस और वुमेन्स 4x400 मीटर रिले टीमों का भी होगा मुकाबला। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले में एचएस प्रणॉय के और श्रीकांत का मैच आज। वुमेन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु की होगी टक्कर। बैडमिंटन मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले में सात्विक चिराग एक्शन में होंगे। वुमेन्स डबल्स में गायत्री त्रिशा अश्विनी और तनिषा से कमाल की उम्मीद। भारतीय मेंस हॉकी टीम साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने की होगी कोशिश। भारतीय मेंस और वुमेन्स कबड्डी टीमें आज अपने अपने मुकाबले थाईलैंड से खिलाफ खेलेगी। भारत ने एशियन गेम्स के 10वें दिन 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पदकों की कुल संख्या 69 हुई। एशियन गेम्स में अपने रिकॉर्ड 70 पदकों से भारत केवल एकदम पीछे। हांगझोउ में भारत नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। 62.92 मीटर दूर फेंका भाला। एशियन गेम्स में पारूल चौधरी का कमाल। 5000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में बॉक्सर लवलीना बोरगोहोन का कमाल। बॉक्सिंग में 75 किलो वर्ग में फाइनल में बनाई जगह। चीन की ली कियान से आज होगी टक्कर। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रिंग से उतरेंगी। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। निखत जरीन और प्रीति पवार के बाद भारत के लिए तीसरा मुक्केबाजी कांस्य पदक जीता। मोहम्मद अफजल ने 800 मीटर रेस से जीता सिल्वर मेडल। 1:48 में पूरी की रेस। एशियन गेम्स में महिला हॉकी में भारत का तूफान। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 13-0 से हराया। सेमीफाइनल में की एंट्री। एशियन गेम्स में स्क्वाश में 3 पदक पक्के। सौरभ घोषाल दीपिका और हरिंदर की जोड़ी जीती। ग्रीनफील्ड यूनिट तैयार करेगा इंडियन ऑयल। 2600 करोड़ का करेगा निवेश। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बड़ा सम्मान। आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए बनाया ग्लोबल एम्बेसडर। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। भगवान की पूजा अर्चना की।